कथा के दुश्मन गुरमीत ने जैसे ही युग को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह देखा तो उसे हंसी आ गई और वो अमेरिकन एक्सेंट में बोली, ये छोटा सा बच्चा तुम में से किसका बॉयफ्रेंड है? ये शक्ल सूरत से तो अच्छा लगता है, लेकिन इतना दुबला पतला। इतना कहते हुए गुरमीत ने अपने बगल में खड़े हल्क जैसे लड़के की बाइसेप्स पर हाथ रखते हुए गर्व से कहा, ये मेरा बड़ा भाई है, आज काउंटर स्ट्राइक में यही मेरी टीम को जीत दिलाएगा, देख लेना तुम लोग। गुरमीत के घमंडी अंदाज को देखकर युग ने भौहें टेढ़ी करते हुए उसे घूरा और मन ही मन सोचने लगा, अब समझ आया कि उस दिन कथा इस लड़की की इतनी बुराई क्यों कर रही थी। इससे तो कोई भी बात करेगा तो इसे पीटने का ही मन होगा। कथा और विद्या का गुस्सा एकदम जायज था। तभी गुरमीत के साथ खड़ा उसका बड़ा भाई कुछ कदम चलकर आगे आया और युग के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए युग से कहा, हेलो, मैं हूँ 77 एकलव्य रेजिमेंट बक्सवाहा छत्तीसगढ़ का फौजी, मेरा नाम है सुखविंदर, आप में ऐसा क्या खास है? गुरमीत का बड़ा भाई सुखविंदर इंडियन आर्मी में फौजी रह चुका था। हालांकि उसने अर्ली रिटायरमेंट लेकर किसानी करने का फैसला किया और अपने गांव में ही रहने लगा, मगर वो कसरत करके हल्क जैसा हो गया था। उसकी बॉडी बेशक बहुत ही इम्प्रेसिव थी। कथा और उसकी बाकी तीनों रूममेट्स ने जब युग को गुरमीत के भाई सुखविंदर के बगल में खड़ा हुआ देखा तो उन्हें शर्म आ गई। अगर युग के दोनों हाथों को मिला दिया जाए तब भी वो सुखविंदर के एक हाथ का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। सुखविंदर ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में युग से लगभग 2 से 1.5 गुना था। ऐश्वर्या और शालिनी युग से पहली बार मिल रही थीं। उन्हें युग के बारे में कुछ खास नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर एक धारणा बना ली और आपस में खुसफुसाने लगे, यार ये तो गड़बड़ हो गई, गुरमीत का भाई तो एकदम हल्क जैसा दिखता है और वहीं कथा के भैया युग एकदम सिंगल हड्डी, इनके बीच भला क्या मुकाबला होगा? ऐश ने धीरे से शालिनी के कान में कहा। शालिनी ने ऐश की बात का जवाब देते हुए धीरे से उसके कान में खुसफुसाया और बोली, अरे अगर हम मसल्स और बॉडी को कुछ देर के लिए एक तरफ भी रखते हैं तब भी गुरमीत का भाई फौज में था, समझ रही है ना तू, वो कितना शक्तिशाली होगा। हाँ यार, इन्होंने तो असली की बंदूकें और बॉम्ब्स चलाए होंगे, ये तो वही बात हो गई कि मानो हाई स्कूल के बच्चे किंडरगार्टन के बच्चों से मुकाबला करने के लिए आ गए हो। कथा की रूममेट ऐश बोली। न केवल कथा की दो नई रूममेट बल्कि गुरमीत के बड़े भाई सुखविंदर को देखकर खुद कथा और विद्या भी थोड़े डगमगा गए थे। विद्या ने कथा से कहा, यार ये क्या हो रहा है, अगर आज हम ये मुकाबला हार गए तो हमें गुरमीत के ताने हमेशा सुनने पड़ेंगे। इन्हीं सब बातों के बीच युग ने अपना दाहिना हाथ सुखविंदर से मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, मगर सुखविंदर ने युग का हाथ जोर से जकड़ लिया और उसे दबाने लगा। अब युग को हाथ में दर्द हो रहा था। ये क्या करना चाहता है भाई, हाथ मिलाना था या तोड़ना था? युग ने मन ही मन सोचा। कुछ देर में जब उसे यकीन हो गया कि सुखविंदर उस पर अपनी ताकत आजमा रहा है तो युग ने तय कर लिया कि वो सुखविंदर को मजा चखा कर रहेगा। फिर क्या था, युग ने अपनी सुपर पावर एक्टिवेट की और फिर जोर से सुखविंदर के हाथ पर प्रेशर लगाया। धीरे धीरे सुखविंदर को अपने हाथ में दर्द महसूस होने लगा। उसने हाथ छुड़ाने की भी कोशिश की मगर युग ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। ये क्या हो रहा है, ये सिंगल हड्डी लड़का इतना जोर कैसे लगा सकता है भला, गुरमीत ने मन ही मन दर्द से कराहते हुए सोचा। उसने बहुत कोशिश की अपने दर्द को चेहरे पर न लाने की, मगर युग के सौजन्य से हल्क जैसे शरीर के सुखविंदर की चीख निकल ही गई। सुखविंदर की चीख सुनकर आसपास मौजूद लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। गुरमीत समेत बाकी लड़कियों को पहले तो लगा कि ये आवाज युग की होगी, मगर जब उन्होंने सुखविंदर का सड़ा हुआ मुंह देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। गुरमीत फौरन दौड़ी हुई अपने भाई के पास आई और बोली, भैया क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आप अचानक चिल्लाए क्यों? युग ने सुखविंदर का हाथ छोड़ दिया और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। सुखविंदर को मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये बात नहीं आने दी। वो अपनी छोटी बहन गुरमीत से बोला, नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। पिछले 5 मिनट तक युग ने गुरमीत के भाई सुखविंदर का हाथ इतनी जोर से दबाए रखा कि उसका पूरा शरीर कांप उठा और फिर युग ने सुखविंदर का सवाल दोहराते हुए उसी से कहा, क्यों अब बताओ तुम में क्या खास है, उम्मीद है मेरी खासियत तो तुम्हें पता चल ही गई होगी। सुखविंदर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि युग ने ये कैसे किया। वो मन ही मन सोचने लगा,
इतनी खतरनाक पकड़ कैसे बना ली इस लड़के ने। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था, इसलिए सुखविंदर ने उसे पीछे छुपा लिया। युग अब भी मुस्कुराते हुए सुखविंदर को देख रहा था। ये देखकर सुखविंदर को और भी ज्यादा चिढ़ मच रही थी। तभी कथा की क्लास के टीचर इंचार्ज ने आवाज लगाई, सभी प्रतिभागी यहाँ इकट्ठे जमा हो जाएं। और फिर उसने खेल की आउटलाइन बतानी शुरू कर दी और बोला, ये खेल हमारे स्कूल के बड़े वाले प्लेग्राउंड में खेला जाएगा। वहां पर हमने वॉर जोन का प्रोटोटाइप या सरल भाषा में कहूं तो मॉडल बना रखा है। आप सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स पहन लें। ध्यान रहे, अपनी और साथ ही साथ दूसरों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें, ठीक है ना? उसके बाद हर एक प्रतिभागी को 15 mm की कलर बुलेट राइफल थमा दी गई। युग ने राइफल हाथ में आते ही सबसे पहले उसे हवा में चलाकर देखा तो उसे पता लगा कि राइफल की रेंज 20 से 30 मीटर तक है। अभ्युदय बोर्डिंग स्कूल के सभी बच्चे और उनके साथ आए आउटसाइडर्स अपने अपने कॉस्ट्यूम्स और वेपन्स के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो गए। टीचर इंचार्ज ने एक बार फिर से बोलना शुरू किया, आप सभी देख सकते हैं कि वहां राइट में जंगल बना हुआ है और वहां बॉक हाउस बनाए गए हैं। जगह जगह पर सैंड बैग्स और गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी। ये सब इंतजाम आपको असली वॉर जोन का फील दिलाने के लिए किया गया है। अब बात करते हैं गेम के कुछ जरूरी नियमों के बारे में। नियम बहुत ही सिंपल है, हर एक टीम आपस में एकता बनाकर इस टीले की ओर बढ़ेगी। आगे बढ़ते हुए हर एक टीम को ये ध्यान रखना होगा कि आप पर सामने वाली टीम के लोग हमला न कर दें। सभी बच्चे चुपचाप अपने टीचर इंचार्ज की बातों को सुन रहे थे। इस बार युग भी ईमानदारी से सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। टीचर इंचार्ज ने सामने बने टीले की ओर इशारा किया और बोला, वो टीला जो आप देख पा रहे हैं वो इस गेम का आखिरी पॉइंट है। वहां पर एक लाल रंग का झंडा लगा हुआ है। जो भी टीम या तो वो झंडा सबसे पहले हासिल कर लेगी या फिर बाकी लोगों को बाहर करके आखिर तक बची रहेगी वही टीम काउंटर स्ट्राइक की विजेता कहलाएगी। अगले ही पल सभी टीमों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। युग की टीम ने आपस में चर्चा करके युग को अपना टीम लीडर घोषित किया। ठीक 5 मिनट बाद काउंटर स्ट्राइक का मुकाबला शुरू हो गया। सभी टीमें तेजी से टीले की ओर झंडा लेने के लिए भागने लगी। जगह जगह से फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। मगर युग ने अपनी टीम वालों को कहा, सुनो, हमें आराम से संभल कर चलना होगा, जल्दबाजी करना महंगा पड़ सकता है। हर एक टीम मेंबर के पास इंटरकॉम था जिससे वो एक दूसरे के साथ संपर्क में बने रह सकते थे। विद्या ने जैसे ही युग का ऑर्डर सुना तो वो इंटरकॉम से बोली, युग भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें क्या एक साथ तेजी से टीले की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? अगर हम यूं ही कछुए की चाल चलते रहें तो झंडा कोई और टीम ले जाएगी। युग ने ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, डोंट वरी, और अपना ध्यान वापस बैटल फील्ड पर लगाया। युग के दिमाग में पूरा प्लान तैयार था। उसे अच्छे से पता था कि आगे क्या करना है। अभ्युदय बोर्डिंग स्कूल में चल रहे काउंटर स्ट्राइक खेल में कुल मिलाकर 10 टीमें थीं और झंडा केवल एक। हर एक टीम का एक ही इरादा था, जितना तेज हो सके झंडे की ओर भागो और सबसे पहले झंडा हासिल करो। युग ने देखा कि उसकी टीम के मेंबर्स टीले के साउथ साइड में थे जहां उन्हें एक दूसरी टीम के लोगों ने घेर लिया था। युग ने खुद से कहा, शिट, वहां तो और भी दुश्मन हो सकते हैं, हमें जल्द से जल्द एक सेफ पॉइंट ढूंढना होगा, नहीं तो हमारी पूरी आर्मी खत्म हो जाएगी। उसने अपनी दूरदर्शिता को इस्तेमाल करते हुए ये पता लगाया कि जंगल की ओर करीब 5 लोगों की एक टीम मौजूद है जो आगे चलकर खतरा बन सकती है। युग ने अपना इंटरकॉम चालू किया और अपनी टीम को अलर्ट करते हुए बोला, हेलो हेलो, सभी लोग मेरे पीछे जंगल की तरफ आओ। युग की पूरी टीम टीले के बगल वाले जंगल में दाखिल हो गई। उसकी टीम की चारों लड़कियां थक कर हांफने लगी थीं कि तभी युग ने अपना कमांड बदल दिया और इंटरकॉम पर बोला, साउथ ईस्ट पहाड़ी के नीचे की ओर एक साथ हमला करो, नाउ। उन चारों लड़कियों के पास इतना समय भी नहीं था कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने टीम लीडर की बात मानते हुए बताई हुई दिशा में फायरिंग शुरू कर दी। थाए, 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 थाए। तभी जंगल के अंदर से कुछ लोगों की आवाज आने लगी, ये कौन गोलियां चला रहा है? हमें कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? युग के स्मार्ट मूव के कारण दुश्मन टीम के 5 फौजी गेम से बाहर हो गए। वो जैसे ही जंगल से निकलकर बाहर आए तो उनके कपड़ों पर रंग लगा हुआ था जो युग की टीम ने गोलियों के रूप में उनके ऊपर फायर किया था। क्या युग की रणनीति इसी तरह आगे भी काम आएगी? अगर युग की टीम में से कोई एलिमिनेट हो गया तो क्या होगा? क्या युग गुरमीत और सुखविंदर को एलिमिनेट कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए
मैं बनूंगा सुपर हीरो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युग की रणनीति को इस्तेमाल करके मिली पहली सफलता को देखकर चारों लड़कियां चौंक गईं। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक पूरी टीम को एक साथ में लीड कर सकती। युग के इंटरकॉम में जश्न की आवाजें आने लगीं। कैप्टन, आप तो कमाल हैं। क्या बात है कैप्टन, यू आर द बेस्ट। कैप्टन, आपको कैसे पता चला कि वो लोग वहाँ जंगल में छिपे हुए थे? युग ने तीनों में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। युग की टीम के लिए झंडे तक पहुंचने का एक दरवाजा खुल गया। इसके कारण सभी मेंबर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। युग के कहने पर वो चारों फौजी टीले की ओर बढ़ते चले गए। समय बीतता गया और एक एक करके यहाँ वहाँ से और भी लोग एलिमिनेट होने लगे। कुछ ही देर बाद युग को एक नई टीम की लोकेशन के बारे में पता चल गया। उसने अपनी टीम को आगाह करते हुए इंटरकॉम पर कहा, सावधान, वहाँ सामने झाड़ियों के पास चार लोगों की टीम है। वो लोग जमीन पर रेंगते हुए टीले की ओर बढ़ रहे हैं। हमें सावधानी से उनका पीछा करना होगा। युग के कमांड के बाद विद्या ने इंटरकॉम पर कहा, मुझे वो लोग दिख रहे हैं, क्या हमें फायर करना चाहिए कैप्टन? युग ने अपनी टीम को कमांड दिया और बोला, आगे बढ़ो और उन्हें चारों ओर से घेर लो। और अगले ही पल युग की टीम ने एक और टीम को अपने जाल में फंसा लिया था। युग अपनी टीम के साथ उन चारों फौजियों के सिर पर खड़ा हुआ और उन्हें बोला, हिलना मत, अब चुपचाप सरेंडर कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। उन चारों फौजियों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके चेहरे पर और वो उठकर बैटलफील्ड से बाहर चले गए। अब युग की टीम ने कुल 9 लोगों को एलिमिनेट कर दिया था। युग के अलावा उसकी बाकी टीम मेंबर्स हर एक किल पर ऐसा जश्न मना रही थी मानो उन्होंने गेम जीत लिया हो। तभी युग को अपने आसपास बड़ा खतरा महसूस हुआ और उसने अपनी टीम के सभी मेंबर्स को सावधान किया और बोला, खबरदार, सब लोग फौरन नीचे झुक जाओ। युग का रिएक्शन बहुत तेज था। उसने जैसे ही टीम को कमांड दिया उसके तुरंत बाद वो खुद भी जमीन पर लेट गया ताकि दुश्मन की गोलियों से बच सके। युग की टीम मेंबर्स उसकी तरह सुपर फास्ट नहीं थे, इसलिए जैसे ही दुश्मनों ने गोलियां चलाना शुरू की तो युग की कजन कथा उनकी चपेट में आ गई। उसके बाद युग के अलावा उसके बाकी सारे साथी गोलियों के शिकार होकर गेम से बाहर हो गए। शिट, हमारी पूरी टीम ही आउट हो गई, अब बस कैप्टन ही बाकी हैं, वो ही हमें गेम जिता सकते हैं। युग ने जब दुश्मनों को जश्न मनाते हुए देखा तो वो उन्हें देखकर हैरान रह गया। सुखविंदर, शिट, युग की टीम को गेम से बाहर करने वाली टीम किसी और की नहीं बल्कि गुरमीत और सुखविंदर की थी। युग को ये देखकर बड़ा बुरा लगा कि उसकी टीम को उसके सबसे बड़े दुश्मन सुखविंदर ने एलिमिनेट कर डाला। इससे पहले कि सुखविंदर की टीम अपनी जीत का जश्न मना पाती कि तभी एक दूसरी टीम ने उन पर हमला बोल दिया, और उनका ध्यान युग से हटकर खुद को बचाने पर केंद्रित हो गया। ये अच्छा मौका है यहाँ से भाग निकलने का, भाग युग बेटा वरना मारा जाएगा, युग ने अपने मन में कहा और झाड़ियों के बीच छुपकर वहां से भाग निकला। सुखविंदर की टीम ने दुश्मन टीम को मार गिराया और वो लोग भी गेम से बाहर हो गए। जब सुखविंदर ने देखा कि मौके का फायदा उठाकर युग भाग निकला है तो वो बोला, युग यादव, माना कि तेरे हाथ की पकड़ बहुत मजबूत है मगर तुझे मजा चखाने के मेरे पास और भी तरीके हैं। जब कथा की दुश्मन गुरमीत को यह पता चला कि कथा और उसकी तीनों रूममेट्स काउंटर स्ट्राइक में एलिमिनेट हो चुके हैं तो उसका तन बदन खिल उठा। उसने उछलते हुए अपने बड़े भाई सुखविंदर से कहा, बड़े भाई, अब बस हमें उस गोरे से लड़के को ठिकाने लगाना है। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अब सिर्फ 3 ही टीम्स बाकी रह गई हैं। अगर हमने उस युग यादव को गेम से बाहर कर दिया तो फिर हमें बस एक ही टीम से जीतना होगा। हम अपनी जीत के बहुत करीब आ चुके हैं भाई। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर सुखविंदर ने हामी भरी और फिर अपना एक हाथ हवा में उठाकर युग की ओर रंगीन गोली चलाई। उसकी लगाई हुई गणित के हिसाब से जिस रफ्तार से गोली चली थी वो सीधे जाकर युग को लगी होनी चाहिए थी। गोली चलाते ही सुखविंदर के मन को राहत मिली मगर उसका ये सुख चैन ज्यादा देर तक बना नहीं रहा। युग अभी भी गेम में बरकरार था और उसने झाड़ियों के पीछे छिपे हुए सोचा, बेटा सुखविंदर, तू समझदार तो है लेकिन अगर तू शेर है ना तो मैं भी सवा शेर हूँ बच्चू। युग ने सुखविंदर की चाल को पहले ही भांप लिया था और उसने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी राइफल हवा में उठा दी जिसके कारण सुखविंदर की गोली युग को न लगकर उसकी बंदूक को लग गई और वो खुद हमले का शिकार होने से बच गया। जब सुखविंदर को पता चला कि उसकी चलाई गोली युग को नहीं बल्कि उसकी बंदूक को लगी है
तो वो युग को गरियाते हुए बोला, साले युग, तू तो बड़ा चालाक निकला रे। कोई बात नहीं, इस बार तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू मेरे वार से बच निकला, मगर ऐसा अगली बार नहीं होगा बच्चू। और इतना कहते ही सुखविंदर ने अपनी राइफल उठाई और युग की दिशा में फायर करना शुरू कर दिया। मगर युग सुखविंदर से ढाई कदम आगे था। उसने पहले वार से बचने के फौरन बाद ही अपनी पोजीशन बदल ली थी। युग टीले की दूसरी ओर जाकर एक सैंड बैग के पीछे छुप गया। उसके पीछे से रंगों के गुब्बारे फूटने लगे। अरे कहीं उस बदमाश सुखविंदर को मेरी नई पोजीशन के बारे में पता तो नहीं चल गया। युग ने इतना सोचते हुए पीछे देखा और फिर सोचा, नहीं यार, गेम में अभी एक और टीम बाकी है। ओ, इसका मतलब अब सिर्फ दो ही टीम्स बाकी हैं। अब असली वार होगी। युग के साथ साथ ये बात सुखविंदर और उसकी टीम को भी पता चल चुकी थी कि अब गेम में बस उनकी टीम और दुश्मन के नाम पर केवल एक आदमी युग यादव बचा था। सुखविंदर ने टीम लीडर होने के नाते अपनी टीम को कमांड दिया, टीम सावधान, हमारा आखिरी टारगेट उस तरफ टीले की ओर है, चलो उसका पीछा करो और लगातार फायर करते रहो। सुखविंदर की टीम के दुश्मन अपने टीम लीडर की बात मानते हुए युग पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिए। अरे ये क्या, कहीं इस लड़के के सिर में पीछे की ओर भी तो आंखें हैं। गुरमीत ने तेज रफ्तार से भागते और दुश्मन की हर एक गोली से बचते हुए युग को देखकर कहा। युग कभी दाएं मुड़ता तो कभी बाएं, कभी अचानक ऊपर की ओर छलांग लगाता तो कभी भागते भागते जमीन पर रेंगने लगता। वो कब क्या मूव लेगा इसका सुखविंदर की टीम को कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा था। युग के सुपर मूव्स देखकर गुरमीत और सुखविंदर की टीम ने उस पर वार करना एकदम से बंद कर दिया और बस उसे भागते हुए देखने लगे। लगता है इस लड़के को इस तरह टेढ़ा मेढ़ा भागते देख मुझे चक्कर आ जाएंगे। ये आखिर करना क्या चाहता है, झंडे की ओर जाने वाला रास्ता तो सीधा है, फिर ये इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों भाग रहा है। सुखविंदर ने अपनी टीम को बातों में फंसते देख ऑर्डर देकर कहा, टीम ये आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ खड़े होकर बातें करने से हम गेम नहीं जीतेंगे, हमें उस लड़के का पीछा करना होगा, लेट्स गो। युग लगातार अलग अलग तरीके से कर्तव्य दिखाते हुए अपने लक्ष्य की ओर भागता जा रहा था। उसके मन में बस एक ही बात बार बार गूंज रही थी, फाइनल पॉइंट वाला सैंड बैग बस 20 मीटर दूर है, मुझे कैसे भी करके वहां तक पहुंचना होगा, मगर सुखविंदर की टीम मेरे पीछे कभी भी आ सकती है। युग कुछ देर के लिए जमीन पर गिर गया। वहीं सुखविंदर अपने दुश्मन की तरकीब समझ चुका था और वो भी युग के पीछे पीछे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद जब युग अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के बाद तो सामने से एक टीम ने उसकी ओर हमला करना शुरू कर दिया। अरे ये क्या, मुझे तो लगा था कि अब बस मैं और सुखविंदर की टीम ही बाकी हैं इस बैटलफील्ड में, मगर यहाँ बंकर के नीचे तो एक और टीम छिपी बैठी है। युग के साथ साथ पीछे चल रहे सुखविंदर को भी एक नई टीम के बारे में पता चल गया और उसके होश उड़ गए। युग ने अपने सुपर सेंसेस को एक्टिवेट किया और अपने दुश्मन के कदमों की आहट सुनने की कोशिश करने लगा। हे भगवान, ये क्या, एक तरफ वो टीम है जो बंकर के पीछे छिपी बैठी है और मेरे पीछे की ओर से सुखविंदर की टीम दबे पांव मेरी ही ओर बढ़ती आ रही है, अब क्या होगा। युग अपना मनोबल खोने ही वाला था कि तभी उसकी नजरों के सामने कथा का रोता हुआ चेहरा झूल गया और उसका कॉन्फिडेंस वापस बूस्ट हो गया। कथा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए ही गेम जरूर जीतूंगा। युग ने खुद के मन में कथा से वादा करते हुए सोचा। कथा और अपने बाकी टीम मेंबर्स के बारे में सोचकर युग वापस काम हो गया और शांति से सोचने लगा। कुछ देर तक अपने आसपास देखकर युग उसी बंकर की ओर रेंगने लगा जहां पर एक बची हुई टीम छुपकर बैठी हुई थी। सुखविंदर ने जब युग को उस बंकर की ओर जाते देखा तो वो अपनी टीम से बोला, ये लड़का पागल हो गया है क्या, खुद अपने हाथों मरने के लिए उस तरफ जा रहा है। सुखविंदर की बात सुनकर उसकी छोटी बहन गुरमीत का ध्यान भी युग के मूवमेंट पर गया और वो अपने बड़े भाई से बोली, हाँ भैया, जब ये लड़का जानता है कि उस तरफ एक नहीं बल्कि पांच पांच लोग छुपे हुए हैं तो ये भला खुद मौत के मुंह में क्या सोचकर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आखिरी बंकर के पीछे छिपी टीम ने भी अपने शिकार को खुद जाल की तरफ आते देख लिया था। वो पहले ही अपनी जीत का जश्न मनाने लगे थे। अरे वाह, ऐसे बेवकूफ दुश्मन मिल जाएं तो क्या कहने। हाँ भाई, ये लड़का कुछ खिसका हुआ सा लगता है मुझे तो। सामने वाली टीम बातों में व्यस्त थी कि तभी सुखविंदर ने अपनी टीम को कमांड देते हुए कहा, टीम मुझे लगता है वो लड़का
अब कुछ ही देर में सामने वाली टीम पर हमला करेगा। हमें चौकन्ना रहना होगा। देखो, वो जैसे ही उन लोगों पर हमला करेगा, हम उस पर हमला कर देंगे। एक तीर, दो निशाने। ठीक है कैप्टन। गुरमीत समेत उसकी टीम के सभी सदस्यों ने अपने टीम लीडर की बात सुनकर एक स्वर में कहा। क्या युग के दिमाग में कोई प्लान था, या वो बस यूं ही आगे बढ़े जा रहा था? क्या सुखविंदर का प्लान कामयाब हो पाएगा? आखिर में जीत किसकी होगी? जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नैनीताल के अभ्युदय बोर्डिंग